सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो। परम सन्मान्यो गुरु रूप गुरु खालसा साह संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी दे अनन सेवक भाई मरदाना जी ने अपनी नौ नू लागे बुला के ये उपदेश दिता ते कहा कि पुत्री तू यह तीन श्रेष्ठ कर्म जरूर कर, जे तू इन्हां तिना गल्लां नू धारण कर लेंगी तो तेनू कदे भी लोक परलोक विच दुख की प्राप्ति नहीं होवेगी। वह तीन बचन किहड़े सन कि सिर ते केस रखने ते केसां दी संभाल करनी, पिछल राती सतनाम का जाप करना, ते तीसरी ए कि आउंदी जांदी साध संगत की सेवा करनी। जन्म साखी भाई बाले वाली विच श्री गुरु नानक देव जी बचन करते हैं कि जो धर्मसाल विच आ के झाड़ू सुहनी आदि की कोई सेवा करेगा उसका मन निर्मल होवेगा, पाप दूर होणगे, अंत समय सदगति का अधिकारी होवेगा। इस प्रकार इतिहास विच भी प्रमाण मिलता है कि सुन सिखा गुरमत एह सार, सत संगत की सेव उदार, गुर सेवा तपा सिर तप सार, सुख सेवा अंदर रखिया अपनी नज़र करे निस्तार जियो। सो गुरु जी दे इन्हां उपदेशां तथा भाई गुरदास जी दे शब्दां ते इतिहासिक प्रमाणा तो पता लगता है कि जीव दुनिया विच आ के सेवा करके ही पवित्र हो सकता है ते जन्म मरण तो रहित हो सकता है। इसलिए दुनिया विच आ के सेवा करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि सतगुरु जी दसदे हन विच दुनिया सेव कमाईऐ ता दरगै बैसण पाईऐ, कहो नानक बाहां लुड़ाईऐ। सेवा कीती होई उसकी थां पैंदी है जो सेवा नूं चित ला के भाव प्रेम भावना नाल करदा है। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमै विच्चों जाए। सेवा दो प्रकार की है, एक है सकाम सेवा ते दूसरी है निष्काम सेवा। गुरु घर विच यह दोनों ही प्रकार की सेवा प्रवानिक है, क्योंकि जे सिख ने कुछ मंगना है तो समर्थ गुरु कोलों ही मंगना है। देहां पिछे नहीं पाते फिरना, परमेश्वर स्वरूप पूरे सतगुरु जी इच्छा पूर्वक हैं। इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाकै वस है काम तेना। इसलिए सो ऐसा हर त्याईया मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावै मेरे मना। सकाम सेवा ओ हुंदी है जो किसे कामना नू मुख रख के कीती जावे, ते निष्काम सेवा ओ हुंदी है जो कामना तो निसरहित हो के कीती जावे। सकाम सेवा करन नाल इच्छा पूरी होवेगी पर अंतःकरण की शुद्धि नहीं होवेगी। इसलिए निष्काम सेवा सकाम सेवा के मुकाबले उत्तम है। निष्काम सेवा अंतःकरण नू शुद्ध करके परमेश्वर की प्राप्ति कराउण वाली है, जिवें सतगुरु जी उच्चारण करते हैं, सेवा करत होए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। सो जिसनू परमेश्वर ने पूरे सतगुरु की सेवा करन विच लाया है उसनू कोई भी दुख नहीं लगता। बिघन ना लागै जप अलख अपेव, लखण तो रहित भेद तो रहित परमेश्वर दे नाम नू जिन्हां ने जपया है उन्हां नू कोई भी बिघन या कष्ट नहीं लगता। जिन्हां गुरमुखां नू सतगुरां ने नाम मन विच दृढ़ाया है उसदे सारे ही दुख नाश हो जाते हैं। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दृढ़ाया खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख कर आया। तरत पुनीत भई गुण गाए, जिथे बैठ के परमेश्वर दे प्यारिया ने परमेश्वर दे गुण गाए हैं वह प्रतख धरती बुद्धि रूप धरती पवित्र होई है। जिथे बैसण साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समर्थ आपना
बिन से सब मंदा। दुर्त गया हर नाम ते आए, पाप नाश हो गए। जिसने हरि परमेश्वर दा नाम ध्याणा कीता है, परमेश्वर दा नाम पाप नाशक है। हरि परमेश्वर वाहिगुरु ने आप ही कृपा करके दुर्त गवाणा कीता है। सबनी थाई रव्या आप, जो सारे स्थाना विच आप व्यापक हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जिथे परमेश्वर दा वासा नहीं है। आद जुगाद जाका वड प्रताप, जदों युग आदि रचे गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जिस वाहिगुरु का आदि युगा तो ही वड्डा तेज प्रताप है। आदि तो ही भाव संसार का मुढ़, जिथों संसार की शुरुआत हुई, उस वेले तो जदों युग आदि रचे गए, उसका भारी प्रताप है। संसार का आदि है और संसार का अंत भी है। परमेश्वर आदि अंत तो रहित है। गुर प्रसाद ना होए संताप, सतगुरां दी कृपा करके तिस अकाल पुरख वाहिगुरु दे सरूप नूं जानन करके जन्म मरण आदि संताप कदे नहीं हुंदा। भाव जन्म मरण तो रहित हो जाता है, क्योंकि गुरु जी की कृपा द्वारा अज्ञानता दे अंधकार विच ज्ञान रूप चानना प्राप्त हुंदा है, जिस ज्ञान द्वारा अज्ञान दियां ठोकरां मिट जांदियां हन। गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानण आप पछानणिया। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघन होए सब थाई वूठे। सतगुरां दे चरण कमल जिस दे मन दे विच प्यारे लगे हन, सो जन सारिया स्थाना विच विघन तो रहित होके वसे हन। भाव उन्हां नूं किसे थां भी कोई विघन नहीं लगता, जिथे मर्जी जा के वसण। गुरु दे चरणा दे प्रताप करके सारी जगह ही उन्हां लई शोभनीक है। सो जिन्हां दा गुरु नाल प्यार है, उन्हां नूं गुरु दे चरण सारियां वस्तुआं तों प्यारे लगदे हन। भाई गोंदा सिख काबल कंधार विच बैठा सी, समाधि विच गुरु जी दे चरणा दा रस लै रहा सी। इस मिठास विच भाई गोंदे नूं समय दा ज्ञान भी भुल गया कि कितना कु समा हो गया है। सिख नूं इह रस निरंतर देण वास्ते कितनी देर सतवें पातशाह श्री गुरु हर राय साहिब जी ने चौंकड़ा नहीं सी खोलिया। जाणदे सन कि मेरे सिख नूं जो मिठास मेरे चरणा दा आ रहा है, उसका रस टुट ना जाए। सो इन्हां चरणा कमलों का मिठास जिन्हां नूं भी आया है, उस रस नूं तां केवल उही जाणदे हन। परमेश्वर दे चरणा कमलों के प्यार की मस्ती विच आ के कबीर साहब जी ने भी ऐसा कहा है, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बह को शोभा नहीं देखा ही परवान। एक जगह चरणा कमलों की मौज की गल करद्या कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं नरकों ते स्वर्गों तो रह चुका हाँ, ये सारी कृपा मेरे गुरु जी की है, हुण चरणा कमलों विच सदा रहांगा। सब सुख पाए सतगुरु तूठे, जिन्हां उपर सतगुरु जी प्रसन्न होए हन उन्होंने सारे सुख प्राप्त कर ले हन, क्योंकि सारे सुख सतगुरां दी प्रसन्नता विच हन। सो जिवें सतगुरु हर राय जी मालवे नूं भाग लाउंदे होए जद एक जगह निवास करके बैठे, तां टपरी वासां दे रूप विच गरीबी दी हालत दे मारे होए फुलकियां दा वडेरा भाई काला अपने यतीम भतीजां नूं लै के जिन्हां दे माँ प्यो मर चुके सन सतगुरां जी दे चरणां विच हाजिर होया, तां अचानक बच्चे ने ढिड ते हथ मारिया। तां सतगुरु जी ने पुछया, कालिया इह बच्चा पेट ते हथ क्यों मार रहा है? तां काले ने कहा कि महाराज जी पेट तो भुखा है, ढिड वजा के भुख जाहर कर रहा है। तां सतगुरु जी ने ऐसी कृपा दृष्टि की, सुभावक ही बचन किया, ये तो होरना का भी पेट भरन वाला होगा, इसका नाम की है? काले ने कहा जी इसका नाम फूला है। सतगुरु जी ने कहा फूलिया बहुत फुलेगा, भाव राज भाग का मालक होवेगा। सो सतगुरां जी की प्रसन्नता नाल टपरी वासा तो राज भाग के मालक बना दिता, क्योंकि सारे सुख सतगुरां जी की प्रसन्नता विच हन। सर्व सुखां का दाता सतगुर, ताकि सरनी पाई है
पार ब्रह्म प्रभ पए रखवाले, जिथै किथै दीसै नाले, नानक दास खसम प्रतिपाले। उन्हां संत जना दे पार ब्रह्म प्रभु आप ही रख्या करन वाले होए हन। सब जगह ते उन्हां नूं अपना स्वामी मालक अंग संग दृष्टि आ रहा है। उन्हां दा ऐसा विश्वास है, सतगुरु जी कथन करते हैं कि मालक ने अपने दास की पालना की है, भाव परमेश्वर अपने दासां दी हर प्रकार करके रख्या करता है। होइयां भुल्लां चुकां दी खेमा बख्शनी जी, दास नूं आग्या दिओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।